दोस्तों स्वागत है मेरे इस न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम एक ओरियन कंपनी का एक गीज़र रिपेयरिंग करेंगे। जैसे कि ये मेरे पास ओरियन कंपनी का 10 लीटर का ये गीज़र है, आज हम इसको रिपेयर करेंगे। और ये प्रॉब्लम ये कर रहा है कि इस पे पानी गर्म नहीं हो रहा है और साथ ही में ये बॉडी शॉर्ट है। तो इसको किस तरह रिपेयर किया जाता है आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल सीखेंगे। अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करोगे तो आप किसी भी गीज़र को बहुत ही आसान तरीके से उसको रिपेयर कर पाओगे। और चलो दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अगर मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लेना। तो दोस्तों चलो वीडियो चालू करते हैं। तो मैं सबसे पहले इसका बेसिक जानकारी आप लोगों को बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ पाए। तो ये हमारा इनपुट है, यहाँ से हमारा पानी इन होता है और यहाँ से हमारा पानी आउट होता है। और यहाँ पर से एक कवर लगा रहता है, इससे हम लोग टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। अब उसके बाद इस पर दो इंडिकेटर दिया रहता है, यहाँ पास एक हरा कलर का इंडिकेटर है और एक लाल कलर का इंडिकेटर है। ये हमें दर्शाता है अगर मेन सप्लाई आता है तो ये हमारा लाल इंडिकेटर ऑन रहता है। और ये जो हरा इंडिकेटर है, अगर हमारा इसके अंदर जो कॉइल लगा रहता है, अगर कॉइल ऑन रहेगा तो ये हरा इंडिकेटर जलेगा। और जैसे ही कॉइल बंद होगा, अगर ज़्यादा हीट होगा तो कॉइल बंद होता है। इस पर टेम्परेचर सेट कई उदाहरण के लिए अगर मैंने इस पर 60 डिग्री सेट किया है, अगर 60 डिग्री से अधिक हमारा टेम्परेचर होगा तो ये हमारा कॉइल को बंद कर देगा। और कॉइल जैसे ही बंद होगा तो ये हमारा इंडिकेटर भी ऑफ हो जाएगा। तो ये इस तरह काम करता है, ऑन और ऑफ होते रहता है। अगर ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ऑफ हो जाता है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है तो ये ऑन रहता है। तो दोस्तों ये इसका छोटा सा बेसिक जानकारी है। अब चलो हम इसको बाहर करते देखते हैं कि आखिर हमारा जो गीजर में करंट आ रहा है और गर्म क्यों नहीं हो रहा है, इसको भी हम लोग एक बार देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। तो मैं इसको कवर को बाहर कर देता हूं। तो ये देख सकते हो मैंने कवर को बाहर कर लिया है और ये हमारा कॉइल है और यहां पर एक दो रिले लगा रहता है। ये एक टेम्परेचर सेट सेंसिंग रिले है और ये हमारा एक ऐसा रिले है, जैसे कि अगर हमें उदाहरण के लिए अगर ये रिले ख़राब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तो ये रिले क्या है, हमारा सेप्टिक के लिए लगाया रहता है। अगर ये रिले शॉर्ट होगा तो क्या है, पानी क्या है बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा, 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री से अगर हमारा ऊपर जाता है तो ये हमारा एमसीबी रिले है, ये ट्रिप हो जाता है। और ट्रिप होने के बाद अगर हम जब तक से इसको खोलेंगे नहीं और इसको जो है यहाँ से रीसेट नहीं करेंगे तब तक से ये हमारा ऑन नहीं होता है। तो ये इसका रिले का काम है। और यहाँ पास ये कॉइल लगा है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पास किसी जगह हमारा वायर वगैरह कटा तो नहीं है। तो यहाँ पास मैं देख रहा हूँ, यहाँ पास वायर वगैरह तो कुछ कटा नहीं है। तो बॉडी में सो करेंट क्यों आ रहा है इसको देखेंगे। तो अगर हम यहां से ध्यान से देखते हैं तो यहां पे जंग लगा हुआ है, जंग लगने के कारण भी हो सकता है या फिर हमारा कॉइल क्या है शॉर्ट भी हो सकता है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो कनेक्शन है इसको निकाल लेंगे बाहर। आप कनेक्शन निकालने से पहले इसका एक फोटो खींच लीजिए अगर आप रिपेयर कर रहे हो तो, ताकि आप लोगों को कनेक्शन अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले मैं दोनों थर्मिस्टर को बाहर निकालता हूं, फिर आगे हम लोग कॉइल को इसका चेक करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में पूरा फुल बने रहे। तो मैं इसको यहाँ से इसका कनेक्शन निकाल रहा हूँ। तो इस तरह मैं इसको कनेक्शन निकाल, तो इस तरह से ये वाला हमारा फेस वाला कनेक्शन निकल गया है। और यहाँ से हम लोग खींचेंगे तो ये लॉक रहता है, तो लॉक के मदद से ये निकल जाता है। तो इसको भी हम लोग इस तरह खींच कर बाहर निकाल लेते हैं, ये देख सकते हो। तो दोनों हम लोग थर्मिस्टर को हम ऐसे बाहर निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीके से ये निकल जाता है, ये देख सकते हो। ये हमारा टेम्परेचर थर्मिस्टर है और ये हमारा एमसीबी थर्मिस्टर है। तो हमारा यहाँ से कनेक्शन इसको निकाल लेते हैं इस तरह। तो ये देख सकते हो ये हमारा दोनों थर्मिस्टर है। और दोस्तों अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इसका किस तरह चेक किया जाता है थर्मिस्टर को, ये भी आप लोगों को बता दूंगा। तो ये हमारा दोनों थर्मिस्टर निकल गया है। अब क्या करेंगे, हमारा जो ये जो कॉइल है, जैसे कि देख सकते हो ये हीटर कॉइल है, इसको हम लोग बाहर करेंगे। तो हीटर कॉइल बाहर करने से पहले यहाँ पे पेच लगा हुआ है, इसको खोलते हैं। और खोलने के बाद इसको हीटर कॉइल को बाहर करके हम लोग देखेंगे इसमें बॉडी शॉर्ट आ रहा है कि नहीं, और ये कॉइल कैसा है कैसे चेक करें और कैसे इसको फिट करेंगे, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। तो मैंने इसका यहाँ से कनेक्शन निकाल चुका हूँ और ये कवर को क्या है हम लोग साइड कर देंगे और इसका तो पूरा कनेक्शन हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों मैंने इसका
तीनों ही स्क्रू यहाँ से निकाल चुका हूँ। अब इसको निकाल रहा हूँ तो ये निकल नहीं रहा है, तो क्या कर गया हूँ मैंने, इसका यहाँ पास सभी स्क्रू लगा था, ये सभी को निकाल दिया हूँ। और अब क्या है, इसको हम लोग बाहर कर लेंगे। यहाँ पे एक चीन लगा लिया हूँ ताकि ये मैं फिट करूँ तो मुझे समझ आ जाए कि ये सीधा है कि ये उल्टा है। ठीक है, हम यहाँ पास एक चीन लगाए थे और यहाँ पास एक चीन। चीन लगाना बहुत ही आवश्यक है ताकि आप लोगों को समझ आए अच्छे से कि किस तरह फिट किए थे। और हम इस तरह इसका टब को बाहर निकाल लेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। चलो मैं इसको बाहर निकालता हूँ, तो मैं इसको इस तरह बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये अभी तक पानी भरा हुआ है हमारा गीज़र में, और ये इसका कॉइल है। और इसका हालत आप देख सकते हो कि कैसा, ये पूरी तरीके से जंग लग गया है और ये पानी का परत है और ये यहाँ पास सड़ भी गया है, ये देख सकते हो। शायद इसी कारण से हमारा ये क्या है, करेंट आ रहा था। तो अब चलो हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पास भी इसका देख सकते हो, ये शायद तक यहाँ से ही ये हो रहा था, जो दिक्कत है ये यहीं से हो रहा था। तो मैं इसको एक बार सीरीज वायर में टेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये सीरीज वायर लिया है, अब चलो मैं टेस्ट करके दिखला देता हूँ। यहाँ से करता हूँ तो ये ऑन है, और ये दोनों टर्मिनल पे लगाता हूँ, हमारा जो कॉइल का टर्मिनल है उस पर। तो ये देख सकते हो ये ऑन दिखला रहा है, लेकिन हम इस पर बॉडी पे करेंगे तो ये बॉडी शॉर्ट है। इसीलिए क्या है, हमारा करेंट मार रहा था और जो अर्थिंग से हमारा क्या है करेंट लीक हो रहा था, तो ये करेंट मार रहा था और गर्म भी नहीं हो रहा था क्योंकि न्यूट्रल से वो अर्थिंग को ब्रेक कर ऑन कर रहा था। ठीक है, तो दोस्तों इसका कॉइल को हम लोग चेंज करेंगे, और इसका नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखना कि किस तरह हम इसका कॉइल को चेंज करते हैं, ये भी आप लोगों को दिखलाएंगे। और ये दोस्तों इसका कॉइल जो है, ये 2000 वाट का कॉइल है, ये इस पर लिखाया है, तो मैं थोड़ा सा दिखलाने का कोशिश करता हूँ, हल्का सा जूम करने का, शायद दिख नहीं रहा है। तो ये एक 2000 वाट का कॉइल है और हम इसको न्यू नानेंगे और इसको चेंज करेंगे। तो दोस्तों आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।